हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो हमने टाइप वन कर दिया था कि जिसमें हमें क्वेश्चन फिगर दे के रखा होता था और हमें क्या करना रहता था, हमें एक सिमिलर फिगर अपने आंसर फिगर्स में से चूज करना रहता था। वही ऑप्शन हमारा जो आंसर आंसर होता था जिसमें सिमिलर फिगर हमें मिलता था। अब हम जो है टाइप टू की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप टू क्या है? टाइप टू क्या है कि सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर ऑन द चेंजिंग डायरेक्शन ठीक है, स्लैश फिगर रोटेशन। फिगर रोटेशन ठीक है, चलो। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई क्वेश्चन फिगर दे के रखा होगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन फिगर का के बदले कुछ आंसर फिगर, चार ऑप्शन वाले दे के रखे हुए, उसमें सेम फिगर होगा बट डायरेक्शन बदली हुई होगी, रोटेशन रोटेट होगा वो फिगर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन फिगर ये रहा। आंसर फिगर्स ठीक है, ये सर्कल है और दे के रखा है कुछ हमारा ठीक है।
ए बी सी डी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखे रखा है और आंसर फिगर्स में से हमें देखना है कि कौन सा फिगर इसके सिमिलर है। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, इस सर्किल है तो सर्किल वाला जो फिगर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सर्किल तो इसमें सब में है। अब देखो, सर्किल के अंदर तीर है, इससे बात नहीं बनी। अब तीरों से देखते हैं, जो हमारे एरो हैं, जो हमारी लाइंस हैं, ठीक है। तो इसमें दो एरो हैं जिनका डायरेक्शन एक तरफ है, ठीक है, और दो डॉट वाले हैं इनका डायरेक्शन अपोजिट तरफ है, ठीक है। तो देखो इसमें है ना, डॉट वाला नहीं, तीरों वाला नहीं, एक ही साइड है इसमें, तो ये नहीं होगा। इसमें एरो और डॉट एक ही तरफ है, गलत। तीसरा, एरो और डॉट एक ही तरफ है, तो बट वैसी बात है, यही हमारा जो है आंसर हो जाना है, ठीक है। वैसे अगर तीसरा पहलू देखना चाहें तो देखो, अल्टरनेट, एक एरो फिर उसके अपोजिट एक है ना डॉट, एक एरो एक डॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो आंसर फिगर।
ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसमें। सम में प्लस एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, ठीक है, सम में है, ठीक है, दो लाइनें हैं वाला एक फिगर, लाइन वाला एक फिगर इसमें भी है ना, दो लाइनों वाला फिगर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, प्लस वाला साइन, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक सिंगल लाइन जो बीच में से दो दो पार्ट में पार्ट में समय निकल नहीं रहा है, या कुछ ना कुछ तो रोटेशन हुआ है। ठीक है, अब रोटेशन क्या हुआ है, ठीक है, देखो अगर मैं इसको मान लो ये हमारा फिगर यहाँ है, ये ठीक है, और अगर मैं इसको रोटेशन को लेके जाता हूँ, ठीक है, इस तरह से ऐसे, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी कि कितना 270 डिग्री का, 270 का क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है, 270 का रोटेशन हुआ है। ठीक है, तो ये और कहीं रोटेशन होता दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसे रोटेट करेंगे इसको, ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, बट ये वाला 270 डिग्री का जो है आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन आंसर, आंसर फिगर,
सी डी। ठीक है चलो देखें, सेम ही है ये। ठीक है अब चलो इसमें देखो कैसा रोटेशन हुआ है ना, रोटेशन हुआ है क्योंकि सिमिलर फिगर तो नहीं मिल रहा है तो रोटेशन हुआ है कम से कम। तो रोटेशन कैसा हुआ है इसमें देखो, है ना, एक दो दो प्लेस का रोटेशन हुआ है। ठीक है दो प्लेस का रोटेशन हुआ है। ठीक है तो अगर ये दो प्लेस का रोटेशन होगा ये यहाँ पहुँचेगा है ना, तो ये यहाँ पहुँचना चाहिए, ये यहाँ पहुँचना चाहिए, ये यहाँ पहुँचना चाहिए, ये यहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है सही है। तो क्वेश्चन जो ए है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये क्योंकि रोटेशन है, कितना डिग्री रोटेशन हुआ है। ठीक है ये देखो कहाँ से चला है, यहाँ से चला है, ठीक है थ्री प्लेस, चलो 135 डिग्री का रोटेशन, 135 डिग्री का रोटेशन। ठीक है तो ये है हमारा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर्स। ठीक है
ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। आरआरबी ग्रुप डी 2018। तो पहले फिगर को करो एनालाइज, ठीक है। ये हमारा फिगर दे के रखा है, इसमें दो सर्कल हैं, सर्कल को है ना, इनर सर्कल को डिवाइड किया गया है किसमें, दो हिस्सों में, और एक सर्कल एक हिस्से में क्या है, एक सर्कल और रखा गया है, कुल मिला के तीन सर्कल हैं। देखो इसमें तीन सर्कल हैं क्या, एक दो नहीं, दूसरा एक दो तीन इसमें हैं सर्कल, इसमें भी तीन सर्कल हैं, सर्कल है। अब देखो इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इनर सर्कल को, हाँ किया गया है, इसमें नहीं किया गया, तो ये दोनों ऑप्शन अभी तो बाहर हो गए रेस से, ठीक है। इसमें भी किया गया है ना। अब देखो एक पार्ट में है ना एक सर्किल और बनाया गया, तो इसमें देखो किसी पार्ट में नहीं है, बाहर वाले पार्ट में से ही ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, और ये वाला इस पार्ट में, क्योंकि रोटेशन हुआ है इस फिगर का 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का रोटेशन है, तो 90 डिग्री का जब रोटेशन मांगेंगे तो ये वाला फिगर निकल के आएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये है, चलिए नेक्स्ट। ये सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी 2000, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इसमें एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर है ना, ट्रायंगल में एक लगी हुई है चाबी टाइप है ना, लाइन है ना, एक
की लाइन है ना, वो ढूंढनी है हमें रोटेशन। तो देखो इसमें तो सीधी लाइन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते ही कट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई है ही नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा। ये है सेम, बट इसमें एरो नहीं लगा हुआ है, तो ये भी कट हो जाएगा। ये देखो ये वाला है ना, 90 डिग्री का रोटेशन मारा है इसने। 90 डिग्री का अगर रोटेशन मार देंगे इसमें, तो ये सेम बिल्कुल ऐसा ही फिगर निकल के आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे अगले सेशन में करते हैं, बाकी का टाइप 3 टाइप 4 रह गया है, वो भी कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हमारा ये जो सिमिलरिटी ऑफ फिगर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।